हेलो फ्रेंड नमस्ते। जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन स्टेटस था वो आ गया है और काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है चेक भी कर लिया होगा कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हो गया है। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक इस वजह से नहीं देख पाए हैं क्योंकि उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये जो टेबल है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मांगा जा रहा है और डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ तो बच्चों को याद होता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से डाले। उसके बाद यहीं पे कोने पे कॉलम दिख रहा होगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी का, यानी कि यहाँ पे क्लिक करके वो रजिस्ट्रेशन आईडी अपना जान सकते हैं। लेकिन कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ ओपन नहीं होता। जैसे मैं भी यहाँ पे देखिए 2-3 बार क्लिक कर चुका हूँ लेकिन ये जो पेज है वो ओपन हो ही नहीं रहा है। तो फिर ऐसे में आखिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखे कैसे। तो इसके लिए आपको एक दूसरी जो लिंक है उस पे आना पड़ेगा। वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे आप आ जाइएगा, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम दिख रहा होगा आपका डेट ऑफ बर्थ डालने का, ठीक है। उसके बाद आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालिएगा अपना जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था, और ये कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो चलिए मैं एक बार एक रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके देखता हूँ कि शो करता है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है ईमेल आईडी। ये मैंने सारे डिटेल कैप्चा वगैरह सब कुछ मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ फिल करने के बाद सिंपल सा जो है आप सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो शो हो रहा है वो शो हो रहा था इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड, यानी कि जो मैंने कैप्चा जो डाला था वो गलत डाला था। तो मैं एक बार दोबारा से मैंने डाले और फिर से सबमिट करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे सबमिट करने के बाद ही यहाँ पे नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया था वो यहाँ पे आ गया है। तो आप इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।